मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भूमि से राम कृष्ण परमहंस की इस धरती को कोटि कोटि नमन करने के लिए आया हूं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती हम सब के लिए प्रेरणा की धरती रही है। भारत के अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अलग को जगाने की धरती हो या फिर भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का, स्वतंत्र भारत में भारत को एक नई दिशा देकर के आज जिस मंच के माध्यम से हम सब यहां पर आए हैं उसका बीजारोपण भी बंगाल की धरती से ही होता है। मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये बंगाल कभी चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के माध्यम से भारत को मध्य युग से उभारने में योगदान देता है। रामकृष्ण परमहंस की साधना से पवित्र हुई धरती और स्वामी विवेकानंद को इसी धरती ने वैश्विक मंच पर पहुंचा करके इस बात का उद्घोष कराया था कि गर्व से कहो हम सब हिंदू हैं। ये स्वामी विवेकानंद का उद्घोष आज भी पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का उद्घोष है। ये धरती गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, जिन्होंने देश को पहला नोबल प्राइज उपलब्ध कराया था और नोबल प्राइज के साथ ही स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रगीत देने राष्ट्रगान दिया है इस बंगाल की धरती ने दिया है। और भारत की स्वाधीनता आंदोलन का अमर गीत वंदे मातरम भी बंगाल ने दिया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया यह अमर गीत वंदे मातरम स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगीत बन गया, हम सबको एक नई प्रेरणा आज भी दे रहा है। भाइयों बहनों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह अमर उद्घोष, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन भारतीय विस्मृत कर सकता है। ये बंगाल की धरती है, प्रेरणा की धरती रही है। ये बंगाल की धरती ने स्वामी प्रणवानंद को जन्म दिया। ये बंगाल की धरती है जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जन्म देकर के स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की कुटिल नीतियों को सफल नहीं होने दिया था, जो 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक सपना देखा था कि एक भारत में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है इस देश के वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। भाइयों बहनों, बंगाल की धरती जो हमें प्रेरणा देती रही है, पहले कांग्रेस फिर कम्युनिस्टों के कुटिलता के कारण और आज तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी के कारण अव्यवस्था, अराजकता और बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया है। 10 वर्षों में कोई उद्योग न लग पाना और यहां पर चालू उद्योगों का बंद हो जाना, ये नियति बन चुकी है बंगाल की। और बंगाल को इनसे मुक्त करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास है, आपके पास आई है। और भारतीय जनता पार्टी ने शिवेंदु अधिकारी को नंदीग्राम इस विधानसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी बना करके भी उतारा है। एक परिवर्तन का बाग है बंगाल और बंगाल की इस परिवर्तन की बेला में आप सबका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे मंच पर भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। आप याद करिए 2016 में धर्मेंद्र जी ने
देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रत्येक गरीब परिवार को रसोई गैस का एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का एक अभियान चलाया था। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,56,00,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला। टीएमसी की सरकार इस सुविधा को बंगाल के अंदर उसी रूप में क्यों लागू नहीं कर पाई? 10 वर्षों से टीएमसी की सरकार बंगाल के अंदर है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां के गरीबों को आवास क्यों नहीं मिल पाता है? उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष में 40,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है। 6 करोड़ नागरिकों को 5,00,000 रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया है और 2,42,00,000 किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उपलब्ध कराया है। ये लाभ बंगाल के नागरिकों को क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है? उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। यहां पर हाईवे नहीं, रेलवे लाइन भी नहीं पिछने देती है। एम्स, आईएम, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष के दौरान हम 30-30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं और 2 नए एम्स की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हुई है। भाइयों बहनों, 10 वर्षों का हिसाब आपको भी दीदी से पूछना चाहिए, दीदी से बोलना चाहिए कि ममता दीदी ये तो बताओ कि बंगाल के अंदर बंगाल की पहचान है मां कालीबाड़ी, मां काली की पूजा हम सब करते हैं। 2 वर्ष पहले बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करने का कार्य हुआ था और तब बंगाल के माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में अगर दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकती है, और यही पूछने के लिए मैं फिर आया हूं। उत्तर प्रदेश में हमने किसी पर्व और त्योहार को प्रतिबंधित नहीं किया, लेकिन दुर्गा पूजा को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने का कार्य किया। सरस्वती पूजा पे कोई प्रतिबंध नहीं। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ है। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी, जितने उत्तर प्रदेश के अंदर आबादी है, उसमें हम लोगों ने किसी को रोका नहीं। आप त्योहार मनाइए, दुर्गा पूजा भी करिए, सरस्वती पूजा भी करिए, कावड़ यात्रा भी निकालिए, रामलीलाओं का आयोजन भी करिए, रोजगार और नौकरी भी देंगे, किसान सम्मान निधि भी देंगे, हर गरीब को मकान भी देंगे, हर गरीब को शौचालय भी देंगे, हाईवे बनेगा, रेलवे बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, एम्स बना है, बन रहा है, आईआईटी बन रहे हैं, एआईएम बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला खड़ी हो रही है, आखिर ये सब बंगाल के अंदर क्यों नहीं हो सकते? भाइयों बहनों, प्रश्न एक ही है और वह उस प्रश्न का उत्तर आज ममता दीदी से बंगाल की जनता को पूछना ही चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने साहस दिखाया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आकर के आज उन्होंने बंगाल के हित के लिए अंगड़ाई ली है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है कि हम बंगाल को बचाएंगे भी और बंगाल को प्रधानमंत्री मोदी जी की भावना के अनुरूप सोनार बांग्ला बना करके बंगाल को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करके यहां के नौजवानों को रोजगार भी देंगे। एक नया अभियान है
और इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मुझे याद है आज से 14 वर्ष पहले इसी नंदीग्राम में कम्युनिस्टों ने कितनी बड़ी हिंसा की थी। वे शहीद परिवार भी मुझे मिल रहे थे। उन परिवारों की स्थिति को देख करके हृदय हमारा गर्वित हो रहा था। वे लोग नंदीग्राम के लिए और बंगाल के लिए शहीद हुए थे, लेकिन 10 वर्षों में इन शहीद परिवारों के कंधों पर बंदूक रख करके सत्ता प्राप्ति की ममता दीदी, लेकिन शहीद परिवारों की भावनाओं के अनुरूप बंगाल को बनाने में पूरी तरह विफल रही है टीएमसी की सरकार। उन्हें बंगाल के विकास की चिंता नहीं, बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार की चिंता नहीं, बंगाल के किसानों की चिंता नहीं, बंगाल के बहन बेटियों की चिंता नहीं। उन्हें चिंता है तो घुसपैठियों को संरक्षण देने का है, और बंगाल के अंदर गो हत्या पर भी वे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि उन्हें भय है कि उनका वोट बैंक ही खिसक जाएगा। उन्हें चिंता है इन सब बातों की। कहां है बंगाल की धरती जिसने मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु की वैष्णव भक्ति से पूरे बंगाल के साथ ही उड़ीसा को और उत्तर भारत को अपने में समाहित कर दिया था। कहां ये बंगाल जिस बंगाल ने स्वामी विवेकानंद को पैदा करके पूरी दुनिया के अंदर भारत की सनातन वैदिक संस्कृति का डंका बजाया था। और यही बंगाल जब हम सिंगापुर में जाते हैं, जब हम भारत के सुदूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाते हैं, वहां भी आज हमारी कानों में एक ही आवाज सुनाई देती है। वह आवाज होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बंगाल की आवाज जो भारत के अंदर कभी भक्ति आंदोलन का कारण बनी थी, कभी देश के स्वाधीनता का आंदोलन बनी थी, कभी कश्मीर को बचाने की आवाज बनी थी, आज वो बंगाल की आवाज को टीएमसी ने बंगाल के अंदर ही दफन करने का काम किया है। और उसको उभारने के लिए शुभेंदु अधिकारी जैसे युवाओं ने अंगड़ाई ली है, और इसलिए भाइयों बहनों, हम सबको इस अभियान के साथ जुड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की ओर भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। याद करिए, राम मंदिर आंदोलन में बंगला आपके बंगाल के नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। कोठारी बंधु बंगाल में ही पैदा हुए थे जो राम मंदिर आंदोलन में अपने आप को शहीद किए थे, और कोठारी बंधुओं की शहादत का स्मारक आज भी अयोध्या में है। आज कोठारी बंधुओं की इन भावनाओं को, उनके सपनों का अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का एक लंबा संघर्षों का इतिहास है अयोध्या में राम मंदिर का। राम भारत की श्वास श्वास में बसे हैं, भारत के अंदर स्वयं नारायण के अवतार है भगवान राम, भगवान विष्णु के अवतार है भगवान राम। राम भारत की मर्यादा है, भारत की संस्कृति है, भारत की संप्रभुता है। भारत के अंदर हर व्यक्ति, हर नागरिक राम के साथ जुड़ करके गौरव की अनुभूति महसूस करता है। लेकिन राम का विरोध ममता दीदी बंगाल की धरती पर करती है, कहती है जय श्री राम का नारा मत लगाओ। क्या आप लोग ममता दीदी की भावनाओं से सहमत हैं? नारा क्या लगना चाहिए? आप सभी लोग सहमत हैं? जय श्री राम के नारे से सहमत हैं? दोनों हाथ लाकर के मेरे साथ बोलेंगे, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर
के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और मैं तो आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं। अभी पूरे देश के अंदर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्यक्रम हुआ और बंगाल की धरती ने बहुत अच्छा समर्थन इसमें किया है। इसके लिए मैं बंगाल के नागरिकों का आभार व्यक्त करने के लिए आया हूं कि राम मंदिर निर्माण के लिए जो योगदान आपके द्वारा दिया गया है, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए,